ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। मुंबई के मरीन ड्राइव के पास समुद्र में एक 12 साल का बच्चा जिसका नाम साहिल खान है, वो समुद्र में डूब गया। इस बीच साहिल खान को बचाने के लिए 22 वर्षीय जावेद शेख ने समुद्र में छलांग लगा दी, बचाने की पूरी कोशिश की मगर बचा ना सका और खुद भी समुद्र में डूबने लगा, जहां आपदा प्रबंधक टीम ने जावेद को बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नागपाड़ा इलाके का रहने वाला है 12 वर्षीय साहिल खान, जो पहले समुद्र में डूबा था, वो अभी तक नहीं मिला और अभी तक खोजबीन जारी है। ये घटना कल दोपहर 2 बजे के करीब घटी है। लगातार बारिश और ऊंची लहरों के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस ने भी लोगों से समुद्र के किनारे न जाने की अपील की है और लेकिन इसके बावजूद भी लोग मरीन ड्राइव घूमने के लिए चले जाते हैं। और एक बात और हम आपको बता दें, जिस वक्त घटना घटी है उस वक्त कुछ चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि जैसा ही बच्चा साहिल खान समुद्र में गिरा और उसे गिरता देख जावेद को नहीं रह गया, जावेद भी छलांग लगा दिया ब्रिज से उसे बचाने के लिए साहिल को, लेकिन साहिल को बचा ना सका और खुद भी डूबने लगा था। और जावेद के परिजनों का कहना है, कई बार पानी में डूबते हुए लोगों को जावेद ने बचाया है लेकिन तेज बारिश और ऊंची लहरों के कारण साहिल को बचा ना सका और समुद्र में साहिल डूब गया, जिसकी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन जावेद जो बचाने के लिए छलांग लगाया था उसकी भी मौत हो गई उपचार के दौरान। और हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, बारिश के मौसम में जब हाई टाइड हो ऐसे में समुद्र के किनारे न जाएं, नज़दीक जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें जिससे जानलेवा साबित हो सकता है। हाई टाइड के दौरान ऐसे कई हादसे सामने आए हैं, हालांकि पुलिस बार बार अपील कर रही है लोगों को लेकिन इसके बाद भी लोग हाई टाइड के दौरान मरीन ड्राइव समुद्र के किनारे लोग पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं और समुद्र के लहरों के साथ खुद भी बह जाते हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स।